Hi, good evening everyone. Hello guys. So yes, this is Forum Parvatiya Patel for Friday with Forum mein aur aap sabke saath. Hi guys, please let me know agar aap mujhe sun pa rahe hai, whether am I audible properly, my video and audio quality is correct or not. So agar aap mujhe sun pa rahe hai to please let me know like in a comment box. Yes, it's audible. It would really help me. All right, so guys, hi everyone. So this is Friday with Forum, जहाँ पे हम हर Friday. This is a commitment from my end to all of you that ये हमारा एक live show है जिसके अंदर हम बात करते हैं digital marketing related कोई भी questions queries के बारे में, ना इन topics के ऊपर. अगर आपके mind में कोई भी questions है तो आप मुझसे पूछ सकते हो digital marketing related. This is 30 minutes live session every Friday, सिर्फ dedicate किया गया है आप सभी लोगों के लिए, जहां पे मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर करती हूँ. सो गाइज, इफ यू हैव एनी डाउट क्वेरी क्वेश्चंस इन डिजिटल मार्केटिंग, डू लेट मी नो. बट टूडेज टॉपिक ऑफ द डे इज, आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या डिजिटल मार्केटिंग सबको सीखना जरूरी है, लाइक वेदर एवरीबडी हैज टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और मे बी हु शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग, व्हाई यू शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, आपको क्यों सीखना पड़ेगा. So to answer that, before I answer that, yes, hi guys, hi everyone. मैं ये आज का टॉपिक शुरू करूँ उससे पहले I would just like to brief a bit about this session, okay? So this is Friday with Forum, जहां पे हम हर Friday 30 minutes ये live session करते हैं Instagram के ऊपर sharp 6 o'clock, ताकि हम आपके साथ जुड़ पाए और आपके कोई भी questions हो digital marketing में तो हम आपके questions को solve कर पाए. सो गाइज, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चंस है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग को लेके, कैसे आपको अपना बिजनेस में स्ट्रैटेजी, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे इंप्लीमेंट करनी है, कैसे आपको अपने बिजनेस को डिजिटल प्रेजेंस उसकी बढ़ानी है, कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्म करना है, इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड योर करियर इन टू डिजिटल मार्केटिंग, इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट जॉब, और मे बी इफ यू आर लुकिंग फॉर एन वर्क अपॉर्चुनिटी इन टू डिजिटल मार्केटिंग, डू लेट मी नो. Like I can definitely help you and I am here to help you. This is my commitment. Like, all right. So that was a game changer point because we have electricity issue and no problem. But I think I am still audible and visible to everybody. Can you just let me know, guys? Like we are back. Alright, so किसी ने हमें ये क्वेश्चन भी पूछा है, टू रीच एज मेनी कस्टमर्स हु आर फार फ्रॉम द रीच. ओके, यस यस जनक, दैट इज फॉर डिजिटल मार्केटिंग. आपने बहुत ही सही इसका इस्तेमाल को पकड़ा है कि येस, इफ यू वॉन्ट टू रीच आउट टू पीपल हु आर फार, तो येस, डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो द टॉपिक ऑफ द डे ये है आज का कि क्या डिजिटल मार्केटिंग सबको सीखना पड़ेगा, लाइक इज इट फॉर एवरीबडी, क्या सबको ये सीखना चाहिए, क्या ये स्किल सबके लिए है, वेदर दिस इज फॉर पीपल हु वॉन्ट्स टू जस्ट बिल्ड देयर करियर, या फिर ये सबके लिए है. सो बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम, हाउ टू स्टार्ट करियर इन टू डिजिटल मार्केटिंग. उन सभी लोगों के लिए येस, यू विल हैव टू लर्न द स्किल्स, बेसिक्स, फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, और इसके लिए इसको सीखना पड़ेगा. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज फॉर पीपल हु आर डूइंग देयर बिजनेसेस, लाइक एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स, जो खुद बिजनेस लेके बैठे हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज में. बट नाउ अंडरस्टैंडिंग द थिंग इज कि सारे बिजनेसेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा. एवरी बिजनेस विल हैव टू गेट ट्रांसफॉर्म इन टू डिजिटल. आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, डिजिटल कम्युनिकेशन, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. सो ऐसे टाइम पे ऑफकोर्स business leaders will also have to learn the skills. Why to learn the skills? मतलब आपको लग रहा होगा कि why I have to learn? I don't have to do digital marketing by my side. Like आपको खुद नहीं करना है. Guys, trust me one thing. If you really want a 100% result from your digital marketing campaigns, अगर आप किसी को हायर भी कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई पर्टिकुलर एजेंसी हायर कर रहे हो, सो उन सभी केस में भी येस, आपको डिजिटल मार्केटिंग खुद सीखना पड़ेगा. क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा इसका पावर क्या है, अनलेस यू डोंट नो व्हाट आर द करेक्ट एक्सपेक्टेशंस, व्हाट आर द करेक्ट रियल
results that you can achieve, what is the real power of this platform, I think you will not be able to strategize it well. You will not be able to आप अपने बिजनेस की जो स्ट्रेटेजी है उसको मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, उसको प्लेस नहीं कर पाओगे डिजिटली प्रॉपरली. सो एवरीबडी विल हैव टू लर्न गाइज, दैट इज फॉर श्योर. सो वी विल टॉक मोर अबाउट द रीजन्स दैट वाई यू शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग, इवन इफ यू आर डेलीगेटिंग दैट वर्क, एंड मे बी इफ यू आर फ्रॉम द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट जॉनर्स, वाई यू शुड डू दैट. सो वील टॉक मोर अबाउट दैट इन डिटेल. बट बिफोर दैट बहुत सारे लोग हमें कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो दिस इज अ शो, दिस इज द फ्राइडे विद फोरम इज द शो, जहां पे हम हर फ्राइडे सिर्फ आपके क्वेश्चन के आंसर्स के लिए यहाँ पे मिलते हैं. सो लेट मी टेक क्वेश्चन फर्स्ट. ऑलराइट, सो सम क्वेश्चन स्ट्रीम इन यूट्यूब यूजिंग जूम और जीमिट, इज देयर फ्री? सेम क्वेश्चन, सॉरी. ओके लीलाधर, येस. सो अगर आपने जूम एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो जूम में ये फीचर है कि आप अपनी जो मीटिंग है जूम की उसको आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर टेलीकास्ट कर सकते हो, एट ए टाइम आप उसको ब्रॉडकास्ट वहां पे भी कर सकते हो. सो दैट फीचर, अगर आपके पास पेड जूम का वर्जन है, इफ यू हैव अ जूम वर्जन विच इज पेड, देन ये फीचर अंदर फ्री है, उसके लिए एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है. फॉर मोर आई डोंट नो अबाउट द जीमेट, क्योंकि जीमेट यानी कि गूगल मीट में ये फीचर अभी भी ब्रॉडकास्ट का जो फीचर है लाइव ब्रॉडकास्ट का वो एंटरप्राइज वर्जन में है. अभी इससे ज्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई वुड सजेस्ट यू टू चेक आउट द बोथ वेबसाइट. आप गूगल मीट और जूम एप्लीकेशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप प्लीज उसको चेकआउट कीजिए, वहां पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, आई थिंक ओके मैम, वॉट इज SEM रश? ओके सो राकेश इज आस्किंग, राकेश इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. सो SEM रश इज अ टूल, ये एक सॉफ्टवेयर है डिजिटल मार्केटिंग का जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है ट्रैकिंग और एनालिसिस के लिए. जैसे कि हम बहुत सारे गूगल के ऊपर SEO के टिप्स एंड टेक्निक्स यूज कर रहे हैं. सो आफ्टर दैट टिप्स एंड टेक्निक्स, आपका गूगल के ऊपर आपके कौन से कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट कहाँ रैंक हो रही है, कितना ट्रैफिक आपके वेबसाइट के ऊपर एवरी डे जनरेट हो रहा है, आप जो कैंपेन्स कर रहे हो तो उसे आप कौन से पेज के ऊपर, लाइक विच वेबसाइट के आपके वेबसाइट के विच पेजेस आर हाईली विजिटेड, आपकी कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा विजिट हो रही है, कौन सी ऑफर सबसे ज्यादा विजिट हो रही है, लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर कहाँ सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपको SEM रश में मिल सकती है. सो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल एंड इट हैज बीन डिजाइंड इन अ वे के जो मार्केटियर्स है, जो एडवांस लेवल की मार्केटिंग करते हैं, जो एक्सपर्ट लेवल की मार्केटिंग करते हैं, दे कैन यूज दिस टूल एंड उससे बहुत अच्छे अच्छे एनालिसिस हमें मिलते हैं. सो guys that's all about SEM rush. I think aapko I hope you have got your answer, and if you're planning to use Rakesh this tool, it's of course a great tool, you can use it. I also truly recommend it. I use it for some time and it's very powerful, trust me. All right, so moving ahead, बहुत सारे लोग हमें अभी जोड़ रहे हैं. सो उन सभी लोगों के लिए आई एम सो सॉरी गाइज, इट्स लिटल बिट डार्क बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट देयर हियर, सो इट्स जस्ट द नेचुरल लाइट्स विच आर अवेलेबल राइट नाउ एंड आई एम सिटिंग अंडर द स्काई. सो बिकॉज ऑफ द विंटर इट इज गेटिंग डार्क अर्लियर आई थिंक, सो दैट्स वाई आई मीन माई वीडियो इज ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट विजिबल. बट Anyways, my main content is for you. So yes, हमारे content आपके लिए and I am there for you. So nothing can stop us. All right. So moving ahead, this is Friday with Forum, जहाँ पे हम हर Friday आपके लिए 30 minutes ये free session, हम ये free talk show आपके लिए लेके आए हैं, and where you can ask me any digital marketing related questions, queries, and आप जो भी पूछना चाहते हो, आपके जो भी doubt है, आप मुझे पूछ सकते हो. Now, अगर आप मुझसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी बात करना चाहते हो, then yes, you can definitely send me the request. आप जो Instagram में नीचे लाइव वीडियो का रिक्वेस्ट का ऑप्शन होता है, बट सेंड मी रिक्वेस्ट ओनली इफ यू हैव अ लेजिटिमेट क्वेश्चन इन डिजिटल मार्केटिंग. डू नॉट जस्ट सेंड मी द रिक्वेस्ट ताकि मैं अगर आपको लाइव में ले भी लूं, अगर इफ आई एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑफ एवरीबडी. सो गाइज रिमेंबर दैट. Alright, let's take more questions moving ahead. किसी ने हमें नीचे questions में question पूछा है.
ओके, आई एम नॉट गेटिंग महेश, आप मुझसे क्या क्वेश्चन पूछना चाहते थे? आपने कोई क्वेश्चन पूछा है बट आई कैन रियली नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, सो आई एम सो सॉरी. एंड ओके, सो हमें अभिलाष टेलीकोटी, अभिलाष इज सेंडिंग मी द रिक्वेस्ट टू टेक मी लाइव, बट अभिलाष अगर आप मुझे बता पाओगे कि व्हाट एग्जैक्टली क्वेश्चन यू हैव, आई थिंक इट वुड बी ग्रेट कि आप मुझे बता पाओगे. सो मीन वाइल वेल अभिलाष इज सेंडिंग हिज क्वेरी एंड डिजिटल मार्केटिंग का उनका जो क्वेश्चन है वो हमें पूछ रहे हैं. सो बिफोर दैट मीन वाइल लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉपिक ऑफ द डे. सो आवर टॉपिक ऑफ द डे इज गाइज दैट क्या डिजिटल मार्केटिंग सबको सीखना जरूरी है? लाइक डज एवरीबडी हैव टू लर्न द स्किल्स? क्या ये सबके लिए है? ओके, लेट मी जस्ट मेक श्योर द लाइट्स एट लीस्ट आर लिटिल बिट, ताकि आप सो यस, सो द पॉइंट इज कि क्या डिजिटल मार्केटिंग सबको सीखना जरूरी है? एंड यस, द आंसर टू दैट इज 100% एवरीबडी विल हैव टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग. राइट, सो दीज आर द स्किल्स के जो अगर आप खुद काम करना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग में, इफ यू वॉन्ट टू गेट एक्सेल इन टू डिजिटल मार्केटिंग यू नीड टू लर्न द टेक्निकलिटीज. हैशटैग का क्या इंपॉर्टेंस है, टैगिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ मच कॉन्टेंट यू शुड अपलोड, वॉट टाइम यू शुड अपलोड, वॉट इज द स्ट्रैटेजी. एवरी प्लेटफॉर्म हैज देयर ओन डिफरेंट अल्गोरिदम्स, तो क्या अल्गोरिदम है आपके प्लेटफॉर्म के, हाउ टू ऑप्टिमाइज दैट प्लेटफॉर्म, ऑर्गेनिकली कैसे आपको रीच करना है. अगर ये सारी चीजें आपको जाननी है देन यू नीड टू टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस, यू नीड टू टेक एन एक्सपर्ट मेंटरशिप. सो फॉर ऑल दैट रीजन येस, आपको ये सीखना पड़ेगा. सेकेंड, नाउ इफ यू हैव कि भाई मेरा तो बिजनेस है, आई डोंट वॉन्ट टू डू इट बाई माई सेल्फ, मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं करना है, आप किसी को देना चाहते हो एज अ प्रोजेक्ट, और मे बी आप किसी के आप डेलीगेट करना चाहते हो, अगर आपकी टीम है जिसको आप देना चाहते हो, सो उन सभी केस में भी येस गाइज यू हैव टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, बिकॉज ये ऐसी स्किल्स है कि जो शायद आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगी. लाइक एनी टाइम एनी वेयर आप किसी से काम निकलवाना भी चाहते हो देन यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द रियल टाइम एक्सपेक्टेशंस. आप रियल टाइम एक्सपेक्टेशंस क्या रख सकते हो, उसके लिए भी आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स आनी चाहिए. ऑलराइट, सो आई थिंक इट इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, तो आई शुड टेक सम प्लेस के जहां पे हमें थोड़ी और ज्यादा लाइट्स अवेलेबल हो जाए. तो लेट मी टेक दैट प्लेस. Alright, so yes, we are at least now better than previous. I'm trying to get on a place ke jahan pe hume ek sahi lights mil sake, and this is like abhi winter ki wajah se bahut hi jaldi andhera ho raha hai, so I doubt ke hume aisi koi jagah mil payegi, but anyway, so let's move ahead with the टुडेज टॉपिक. एंड मैं बात कर रही थी कि इफ़ यू वॉन्ट टू डेलीगेट, अगर आप किसी को डेलीगेट भी करना चाहते हो आपका वर्क, आप किसी को अगर आप जॉब पे रखना चाहते हो, अगर आप किसी कंपनी को हायर करना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग वर्क के लिए, जब आपसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो डिजिटल मार्केटिंग से, आप कौन से टाइप के कैंपेन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, इफ़ यू डोंट नो कि क्या आप डिजिटल मार्केटिंग से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, देन आई थिंक यू विल नेवर बी एबल टू टेल देम द करेक्ट एक्सपेक्टेशंस. और जब तक आप अपनी करेक्ट एक्सपेक्टेशंस नहीं बता पाओगे, इफ़ यू डोंट नो द प्लेटफॉर्म के क्या यूज है, आप उसका क्या पावर है, उसके क्या फीचर्स है, फैसिलिटीज क्या है, उससे आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आप जब तक उनको सही चीज़ बता नहीं पाओगे, तो वो आपके लिए कोई भी एजेंसी को आपके लिए कभी भी वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी. सो गाइज, इफ यू हैव दैट कि अगर आप ये करना चाहते हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आप किसी को काम भी देना चाहते हो, देन यू नीड टू हैव दैट, यू नीड टू हैव कि आपको ये पता हो. ऑलराइट, अभिलाष इज आस्किंग मी टू टेक लाइव रिक्वेस्ट एंड वी गॉट द इलेक्ट्रिसिटी बैक.
ओके अभिलाष, इट्स वेरी फॉर्चुनेट एंड आई थिंक इट्स लकी फॉर यू, सो लेट्स टेक, आई एम हैप्पी टू सी द ब्राइटर साइड. ऑलराइट, सो लेट्स टेक अभिलाष ऑन द लाइव स्ट्रीम, नो प्रॉब्लम. केयूर, आप मुझसे वापस एक बार क्वेश्चन रिपीट अगर पूछोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज शायद आई हैव मिस्ड योर क्वेश्चन. सो लेट मी टेक अभिलाष ऑन द लाइव. गुड इवनिंग मैम. हाय, गुड इवनिंग अभिलाष. सो मैम, एक डाउट था कि मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ एज ए सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव बैंगलोर के लिए. सो मैम, थोड़े इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि उनको फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं और ऑर्गेनिक फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं. बट मैम, इश्यू क्या है, उनका प्रोडक्ट एक ऐसा रेंच है, लग्जरियस प्रोडक्ट है मैम, रेंच फार्म हॉर्स राइडिंग. ओके. सो मैम, वो थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तो ट्रैफिक जनरेट हो थ्रू इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. सो हैशटैग्स यूज कर रहा हूँ रिलेटेड नीश, बट उतने मैसिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे. ऑलमोस्ट 4-5 months हो गए इंटर्नशिप्स को. ओके, सो एक बार अगर आप मुझे और थोड़ा डिटेल में बताओगे कि क्या प्रोडक्ट है तो आई कैन हेल्प यू मोर इन डिटेल. आपने मुझे बताया लग्जरियस प्रोडक्ट है, वन तो आई अंडरस्टूड दैट वेरी वेल, बट आप थोड़ा और डिटेल में बताओगे क्या है, सूरत के आसपास है, गुजरात में है, इंडिया के कौन से जगह पे? बैंगलोर, इट्स इन बैंगलोर. हाँ, बैंगलोर कर्नाटक होसुर करके है, तमिलनाडु एंड कर्नाटक के बॉर्डर पे है. तो मैं टारगेट, हाँ, तो वहाँ पे मैं तो अपने बेसिक्स के हिसाब से हैशटैग्स में लोकल हैशटैग्स भी यूज करता हूँ, जो मैक्सिमम पब्लिक बैंगलोर हो तमिलनाडु हो तो उनसे रिलेटेबल मैच करे. लेकिन मैम, इशू क्या रहा है, ट्रैफिक जनरेट होता है यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील. ऑलमोस्ट 20-25% ट्रैफिक वहां से आ रहा है. तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम, आई टोटली गेट यू अभिलाष, आप क्या कहना चाहते हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स वेरी गुड दैट यू आर डूइंग एन इंटर्नशिप इन टू डिजिटल मार्केटिंग, राइट? सो आई रियली अप्रिशिएट पीपल के जो सीखना चाहते हैं और उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. लाइक इंटर्नशिप इज वन ऑफ द ग्रेट वे ऑफ लर्निंग इन टू डिजिटल मार्केटिंग, एक एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत अच्छा है. नाउ सेकेंड, नाउ बींग एज स्पेशल, मैंने कहा कि यू आर इनटू, यू आर अ फ्रेशर इनटू द इंडस्ट्री, तभी आप इंटर्नशिप कर रहे हो, राइट? सो आई थिंक एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू कि आप इतने 4 महीने के पीरियड में किसी प्रीमियम प्रॉपर्टी को लेके या प्रीमियम प्लेस को लेके एक मैसिव जनरेट कर पाओ फॉलोइंग, इट्स अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन. तो आपसे जो ये एक्सपेक्टेशन रख रहा है उनको भी पता होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग में ऑर्गेनिकली अगर कुछ ग्रो करना है एंड विद द प्रीमियम प्रोडक्ट, आई थिंक देर आर सम रूल्स, देर आर सम स्ट्रेटजीज दे हैव टू इम्प्लीमेंट. सो वो एक मैं आपसे कहना चाहूंगी, डोंट टेक दैट प्रेशर ऑन यू ओनली कि आप नहीं कर पा रहे हो. देर आर मेनी अदर थिंग्स विच प्लेज रोल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोविड की सिचुएशन की वजह से भी अभी ट्रैफिक जनरेट नहीं हो रहा होगा. सेकेंड है कि आपकी प्रीमियम प्रोडक्ट है तो एक बार देख के कोई डिसीजन नहीं ले लेता है, जनरली इट टेक्स टाइम. मतलब लोग जब तक बार बार रिपीट नहीं देखेंगे शायद वो आपको प्रेफर नहीं करेंगे, राइट? सो रिपीट मार्केटिंग, रीटारगेटिंग जिसे हम कहते हैं, इट्स वेरी रिक्वायर्ड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड, मैम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट मैंने उनको बहुत सारे चीजें बताई कि हमें, क्योंकि एक एक्सपेंसिव प्रीमियम प्रोडक्ट है तो हमें थोड़ा टारगेटिंग, क्योंकि कंपनी थोड़ी अच्छी खासी कंपनी है तो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है दूसरे प्रोडक्ट लाइन में. तो मैंने एडवाइस किया था कि उनको, सर वो टारगेटिंग करेंगे हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को और थोड़े पेड कोलैबोरेशन करेंगे और स्टार्टअप, थोड़ा एक ऐसे इंटरमीडिएट लेवल पे हो के भी मैंने एक बिगनर
एडवांस लेवल का मैंने बहुत सारे एडवाइस दिए उनको, लेकिन पता नहीं इंटर्न हूँ करके सप्रेस किया जाता है या पता नहीं। और 2-3 बार इंस्टाग्राम एड्स रन किया गया मेरे बिन मुझे पूछा नहीं उन्होंने, और हैवीली इन्वेस्ट हो गया, पर फॉर ऑलमोस्ट 3-4 डेज दे वर इन्वेस्टिंग 500 to 600 रुपीज। सो बट दे ब्लेम वॉज ऑन मी कि यार यू आर नॉट जनरेटिंग फॉलोअर्स। मैम See, मेरे I हिसाब would से suggest, Abhinav, don't take that much of pressure on you, first of all. If you are feeling कि आपने जो efforts किए हैं, if you justify, आपको लग रहा है कि आपने justified efforts किए हैं from like true intentions से, and if you are doing it with the correct skills also, अगर आपके पास आपकी हर एक चीज का अगर एक justified reason है, because digital marketing में आपके जितने भी efforts है उसका एक justified report निकलता है. सो इफ यू कैन प्रिपेयर अ रिपोर्ट एंड यू कैन शो इट एंड यू कैन प्रूव इट कि आपके जो एफर्ट्स आपने किए हैं उससे ऑर्गेनिकली यही रिजल्ट निकल सकता है, देन आई थिंक यू डोंट नीड टू टेक दैट मच ऑफ प्रेशर ऑन यू. नेगेटिवली प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है. हाँ, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट अगर है कहीं पे, इफ यू आर ऑल्सो फीलिंग कि हाँ कहीं पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मुझे और इसमें अच्छा करना चाहिए था, देन एक्सेप्ट दैट एंड डू इट. आई थिंक एक्सेप्टिंग दैट वुड बी ऑलवेज ग्रेट. बट अगर आप अपने ऊपर पूरा ब्लेम क्योंकि लेने की बात कर रहे हो, देन आई थिंक इट्स ऑलवेज हैंड टू हैंड. एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में ना ये हमेशा होता है एक गैप, एंड आई एम सो मच मैं इस चीज से लेके बहुत कंसर्न हूँ इस इंडस्ट्री में, कि लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं. एम्प्लॉयर्स भी जो होते हैं, जो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, ओनर्स है, लीडर्स है, दे आर समटाइम्स कीपिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. और इसीलिए आई एम ऑन लाइक अभी मैं रिसेंटली एक मिशन पे हूँ. आज का टॉपिक भी हमारा यही है, टॉपिक ऑफ द डे, कि क्या सबको डिजिटल मार्केटिंग सीखने की जरूरत है. सो आई थिंक दे ऑल्सो हैव टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ताकि उनको पता चले कि बॉस टारगेट ऐसे मतलब ऑर्गेनिक हैशटैग डालने से शायद नहीं होगा. यू विल नीड टू स्पेंड मनी. लाइक अगर आप जब तक पेड कैंपेन्स नहीं करोगे, आप टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंचोगे, एंड वो भी एक बार नहीं, बार बार रिपीट करना पड़ेगा. सो नाउ डिजिटल मार्केटिंग हैज टेकन अ डिफरेंट टर्न इन टू द लाइफ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है, बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर अवेलेबल है, तो एवरीबडी विल हैव टू अंडरस्टैंड. सो आप उनसे भी सजेस्ट कीजिए, आप अगर ऐसे अपने पास कोई अच्छे वीडियो है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सम स्ट्रैटेजी ब्लॉग वीडियो के, जहां पे आपके प्रॉब्लम को लेके करेक्ट स्ट्रैटेजी और जस्टिफाइड रीजन दिखाया गया है, यू कैन सेंड देम दैट वीडियो और मे बी यू कैन सेंड देम दैट ब्लॉग, ताकि वो उसको पढ़ के वो भी समझ सके कि यस वी विल हैव टू फॉलो दैट. एज आई हाँ थिंक मैम, एज मैं आपने पिच किया राइटली था। कहा ना, कि आई थिंक बिकॉज यू आर एन इंटर्न, तो आपको शायद वो इतना इम्पोर्टेंस आपके आपके फीडबैक को नहीं दिया जा रहा है. सो बैकअप योर कंटेंट विथ अ करेक्ट कंटेंट. आप अपनी जो बात रख रहे हो उसके लिए एक सॉलिड कंटेंट लेके जाइए, कि ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हो, एक्सपर्ट्स भी यही चीज कह रहे हैं, तो आई थिंक शायद वो मेंटालिटी उनकी चेंज होगी. मैम इश्यू क्या है, मैं अभी आप देख सकते हो ये मैं फार्म में हूँ, मेरा छोटा सा फार्म हाउस है। तो कोविड की वजह से मुंबई में था मैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा। तो बहुत ट्राई किया मैंने, ये मुश्किल से आपको मैंने ऑलमोस्ट जून में फॉलो करना स्टार्ट किया, तो आपसे भी एक हेलो. दो बार डीएम पे बात हुई, क्या आपको शायद याद हो है, पता नहीं। तभी तो आपके मैंने IGTVs देखे थे FB के, FB एड्स के ऐप में। तो तभी से तभी 2-3 वीडियोस देखने के बाद ही फर्स्ट इंटर्नशिप मिला, जो आपके 2-3 वीडियो से मैंने जो कुछ सीखा था तभी, तो वही चीज मैंने इम्प्लीमेंट किया। लेकिन इशू ये हो दैट्स गया रियली कि ग्रेट. हाँ ये लगता है कि यहाँ पे मैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कभी फेस टू फेस बात नहीं हुई, तो उन्हें लगता है कि यार मैं जो बता रहा हूँ शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल हो या ना हो। ऐसा कभी कभार एक दो आई बार थिंक बात हुई थी। देखो अभी वर्क फ्रॉम होम का भी है ना, तो ये भी आप जैसे राइटली यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये हो सकता है, ये सिचुएशन हो सकती है कि शायद उनको वो एक कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा है, वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा है आपकी स्किल्स के ऊपर. तो द वन सजेशन विच आई कैन गिव यू इज ऑलवेज कि जब आपकी आपके कुछ कहने का, आपकी बातों का जब भार नहीं पड़ रहा है, तो उसके साथ बैकअप में उसको सपोर्ट करने का एक मटीरियल लेके जाइए. सो वेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कॉन्टेंट, आप कुछ स्ट्रैटेजी रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके साथ उसको क्यों करना चाहिए, उसका कुछ मटीरियल, उसका ब्लॉग, उसका कोई वीडियो कहीं पे देखा है, कोई केस स्टडी है, उसको आप प्रेजेंट कीजिए कि शायद सर इससे होगा.
वन थिंग आई कैन से इज डोंट ट्राई एवरी टाइम. आप ऐसे 100% सिर्फ सबमिसिव ना बन जाइए कि आपकी ही कोई गलती है या आप इंटर्न हो तो ये है वो है. समटाइम्स यू शुड हैव अ कॉन्फिडेंस इन यू. जस्ट बिल्ड योर कॉन्फिडेंस. आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि शायद जो चीजें आप भी कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं इट्स लर्निंग प्रोसेस. सी मार्केटिंग इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटल इन लर्निंग प्रोसेस. ऐसा नहीं है कि हर स्ट्रेटेजी विल वर्कआउट. So sometimes if it is not working out, it's okay. I mean, even tell your upper hierarchy also, जो management में है, कि sir, जरूरी नहीं है कि marketing में सब कुछ सब हर time everything will work fine, right? So it is an acceptance which I think everybody has to take it. मैम इश्यू क्या होता है, जो ट्रैफिक जनरेट होता है 75% इंडियन ट्रैफिक है मैक्स. जो लीस्ट ट्रैफिक आता है फॉरेन अब्रॉड से, तो वो बोलते हैं कि यार तुम वहां के मार्केट को क्यों टारगेट कर रहे हो. जबकि मैं बोला सर इंडिया में आपको शायद आपको पता होगा पर इंडिया में उतना रैंच हॉर्स राइडिंग के लिए उतना क्रेज अभी नहीं है. प्रीवियसली पहले हुआ करता था, रेट्रो मूवीज में हमने देखा था, लेकिन अभी उतना क्रेज है मोस्टली किसको होगा. तो करते रहता हूँ हमेशा डोमेस्टिक मार्केट के लिए नियर बाय 30-40-50 किलोमीटर टारगेट करता हूँ. तो हर बार हो जाता है, आता है ट्रैफिक अराउंड दिल्ली. आई थिंक ही इज ब्रेकिंग. या सो अदलिश ऐसे केस में मैं आपसे एक चीज और भी सजेस्ट करना चाहूंगी. दिस इज लाइक मेरे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है. मैं मेरे इंडस्ट्रियल हेलो या नो प्रॉब्लम. सो मैं आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से एक चीज सजेस्ट ये भी करना चाहूंगी कि देखिए आपके जो हायरार्की है मैनेजमेंट लेवल है ये उनका बिजनेस है. दे नो देयर बिजनेस वेल. आई थिंक यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट कि उनको उनके बिजनेस के टारगेट ऑडियंस और उनको उनका बिजनेस ज्यादा पता होगा. सो इफ दे आर गिविंग यू द फीडबैक ऑफ टारगेटिंग ओनली लोकल पीपल देन यू शुड टेक इट राइट. तो टेक दैट एडवाइस राइट. स्टिक टू मोर आप जो उनको वो लोकल टारगेट ऑडियंस जो आपको करने के लिए कह रहे हैं यू शुड स्टिक टू इट. आई थिंक आप थोड़ा ट्राई कीजिए क्योंकि अगर वो बता रहे हैं तो उनके इतने सालों का एक्सपीरियंस होगा उनके बिजनेस का. आप इसमें एक और चीज ट्राई कीजिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर एग्जैक्ट टारगेट ऑडियंस क्या है एंड ट्राई टू रन दीज काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट जो स्पॉन्सर्ड एड्स जिसे हम कहते हैं. एंड इफ दे हैव अ ग्रेट डेटाबेस, अगर उनके पास ऑलरेडी एक अच्छा डेटाबेस है, अगर एज यू मेंशनड इन द सेशन राइट नाउ आपने हमारे कॉन्वर्सेशन में ये मेंशन किया, देन ट्राई टू रन पेड एडवर्टीजमेंट यूजिंग द कस्टम ऑडियंस एंड लुकल लाइक ऑडियंस. आई थिंक ये थोड़ा टेक्निकल है. अगर आप मेरे वीडियोज भी देखोगे यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा. बट आप ये ट्राई कीजिए, इससे मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा. अभिलाष दिस विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू आई थिंक. सो ट्राई दिस एंड डू लेट मी नो. अगर आप ट्राई करो उसके बाद आपको क्या रिजल्ट मिला मुझे जरूर बताइएगा. मुझे बहुत अच्छा लगेगा. आई विश यू रियली ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटर्नशिप. ऑलराइट थैंक यू मैम. एक बार जब परमिशन मिल जाएगी एड्स रन करने के लिए फुल टाइम अपॉइंटमेंट होगा तो आपको मैं श्योरली आपको मैं डीएम या ईमेल व्हाटएवर पॉसिबल आई विल लेट यू नो मैम. प्लीज डू इट. आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम यू. ऑलराइट सो थैंक यू सो मच टू शेयर दिस. आई थिंक आपका जो क्वेश्चन था वो बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल होगा कि जब ऐसे एक्सपेक्टेशंस मीटअप नहीं होते हैं बॉस जो बोलते हैं उसके साथ परफॉर्मेंस मेजरमेंट का जब इश्यू आता है तो व्हाट पीपल शुड डू. तो आई थिंक यू हैव रियली रेज्ड अ ग्रेट क्वेश्चन टुडे क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डे भी वही था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में ये गैप कैसे फिल अप किया जाए. एंड वन थिंग इज विलेज में मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी का इशू रहता है तो फोन या लैपटॉप चार्ज के लिए बहुत इशू हो जाता है. तो मैं ट्राई करता हूँ कि आपके सेशन अटेंड करूँ लेकिन आज थोड़ा बहुत तो मैंने बैटरी बचा के रखा था ऑलमोस्ट 20% ही है. तो इसलिए रियली स्वीट ऑफ यू. आई रियली अप्रिशिएट कि आप इतना डेडिकेटेडली इसके ऊपर वर्क कर रहे हो एंड यू हैव एन हंगर ऑफ लर्निंग. So that's really great and I would like to share one thing. Right now is the best time jab aapke aap jaise log jo bahut dedicatedly aage badhna chahte hain is industry mein and you want to build your career.
सो आई वुड लाइक टू शेयर दिस दैट वी आर कमिंग अप विथ अन 100% वर्क अपॉर्चुनिटी. आप जैसे बहुत सारे लोग हैं अभिलाष ट्रस्ट मी राइट नाउ के जो डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं. सो उन सभी लोगों के लिए गाइज इफ यू वॉन्ट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग वी आर कमिंग अप फ्रॉम द 1st January 100% प्रैक्टिकल वर्कशॉप एंड इट इज लाइक वेरी नॉमिनली चार्ज ऑनलाइन वर्कशॉप है 1 month का. और उसमें जितने भी लोग पार्टिसिपेंट करेंगे वी अश्योर यू 100% वर्क अपॉर्चुनिटी इन सूरत टॉप 10 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज. सो जो भी ब्रांडिंग और उसकी डिजिटल की कंपनीज है उसमें आपको इंटर्नशिप मेंटोरशिप लर्निंग और जो शायद आपको ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है कि जिसमें एक्सपेक्टेशन का लेवल मैच नहीं हो रहा है रिजल्ट मैच नहीं हो रहा है आई थिंक अलाउ मी टू हेल्प यू ऑल बाई गिविंग यू दिस प्रैक्टिकल सेशंस. तो जितने भी लोग सीखना चाहते हैं गाइज आई वेलकम ऑल ऑफ यू. जस्ट मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर ऑलरेडी लिंक है बायो में आप वहां पे जाइए और चेक कीजिए उसकी डिटेल्स यू विल गेट मोर डिटेल्स देयर. ओके मैम इन फ्यूचर अगर ऐसा वापस क्वेश्चंस पूछने होंगे तो मैम फ्राइडे अगर आप एनी टाइम यू आर आस्किंग मी आपने मुझे पहले भी जैसे कहा कि आपने मुझे ऑलरेडी डीएम किया है सो आई डू टेक केयर ऑफ ऑल द डीएम पर्सनली. मैं सारे डीएम देखती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी ज्यादा हेल्प कर सकूँ जितने ज्यादा एम्पावर कर सकूँ लोगों को उतना करूँ द नॉलेज विच आई हैव आई वुड लाइक टू शेयर इट. बहुत क्योंकि बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स देखे जो सिर्फ दिखाते हैं कि मैंने ये इतना ग्रो किया ये किया वो किया. मैम ऑनेस्टली बहुत कम लोग सीरियसली ऑनेस्टली बहुत कम पेजेस में मैंने देखे हैं. बाकी सब देखता हूँ कि यार मैंने 10, 20, 40, 50,000 फॉलोअर्स ग्रो कर लिया 1 month में 1 year में. लेकिन आपका जो देखता हूँ कि यार ऐसा लगता है कि हाँ हम भी कुछ बन सकते हैं आगे. क्योंकि मैक्सिमम आप जो अभी पेजेस में देखता हूँ मुंबई के हो बेंगलोर के पेजेस हो तो वो सिर्फ ऐसा शो करते हैं कि आप ये टैक्टिक्स फॉलो करिए ये टाइम पे ग्रो पोस्ट करिए आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे. लेकिन आपको फॉलो करना आपके डिसेंट फॉलोअर्स लगते हैं मुझे. लेकिन वैल्यू बोलते हैं ना गैरी वे बोलते हैं ना कि वैल्यू होना चाहिए आपके फॉलोअर्स को 10 हो या 10,000 हो. तो आपसे इंस्पायर बोलते हैं ना आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम यू. सो देयर आर लॉट वेरी फ्यू पीपल डिजिटल प्रतीक के बाद मैं फॉलो करता हूँ सिर्फ आपको ही मैं ऐसे मेंटोर फॉलो करता हूँ मैं. अगर आप ऐसे बिजनेस में हो कि जहाँ पे आपको सेलिब्रिटी लेवल का कुछ चाहिए तो आप उसमें प्लीज फॉलोअर की रेस में बढ़िए आगे. बट अदरवाइज आई थिंक क्वालिटी कनेक्शन आई बिलीव इन रिलेशनशिप बिल्डिंग. और इसीलिए मैं जैसे मैं हर फ्राइडे आई हैव अ प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू कि मैं हर फ्राइडे फ्राइडे विद फोरम में आती हूँ 6 o'clock लाइव. एंड देन इवन आई हैव कि मैं एवरी डे मेरे डीएम चेक करती हूँ और जितने लोगों को हेल्प कर सकती हूँ उतने हेल्प करती हूँ. पीपल आस्क मी सो मेनी क्वेश्चंस टेक्निकल क्वेश्चंस मैं स्क्रीनशॉट के साथ रिकॉर्डिंग भेजना आई गिव देम ऑनलाइन दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट एज वेल. तो हो सके उतनी हम हेल्प कर रहे हैं आई थिंक टू ग्रो एंड टू हेल्प पीपल लाइक यू. आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट. आई सी दैट स्पार्किंग यू कि आप आगे जरूर बढ़ोगे बहुत अच्छा इस इंडस्ट्री में करोगे. एंड एनी टाइम इफ यू हैव एनी सपोर्ट रिक्वायर्ड डू लेट अस नो. आई मीन डू रीच आउट टू मी आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट. Thank you so much for asking a correct and legitimate question. I really appreciate. बहुत सारे लोगों को ये help करेगा. So all the best. में ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं उसको हेल्प करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. एंड दिस इज द पर्पस ऑफ दिस फ्राइडे विद फोरम शो राइट. तो आई रियली फील टुडे वाज रियली अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन. एंड उस बीच में कॉन्वर्सेशन के बीच में हमें किसी ने क्वेश्चन पूछे हैं सो लेट मी क्विकली टेक इट बिकॉज वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम. ये 30 minutes का फ्राइडे विद फोरम लाइव सेशन रहता है 6 o'clock शार्प एवरी फ्राइडे आई कम ऑनलाइन. बट As rightly said, let's see हम और कितने लोगों की questions ले सकते हैं. So there is a question from Keyur Patel. मैंने small businesses को target करने का सोचा है. So मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक digital knowledge कैसे दे सकता हूँ और more small businesses target कर सकता हूँ. Keyur, I think what you are doing your small businesses को target करना is one of the great thing. Now आप small businesses में भी लेकिन पर कौन से टाइप के बिजनेस को टारगेट करना चाहते हो आप लोकैलिटी मतलब एरिया वाइज टारगेट करना चाहते हो देन
इंस्टाग्राम फेसबुक और मे बी ऑल सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज दैट फीचर कि आप जहाँ पे लोकेशन वाइज टारगेट कर सकते हो. इफ यू आर टारगेटिंग बेस्ड ऑन द बिजनेस, यानी कि अगर आप जैसे सैलॉन रेस्टोरेंट किरियाना की शॉप बेकरी शॉप, आप किसको टारगेट करना चाहते हो, इफ यू हैव अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ बिजनेस डोमेन, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी गुड आइडिया, यू कैन डू दैट. कुछ ऑर्गेनिक टिप्स आपसे शेयर करना चाहूंगी, विच इज कमिंग पॉप अप इन माई माइंड, वो हो रहा है तो आई कैन शेयर दैट. वॉट यू कैन डू इज आप कोई कैंपिंग रन कर सकते हो, आप मूवमेंट चला सकते हो अपने सोशल मीडिया के ऊपर. यू कैन आस्क पीपल टू सम कॉन्टेस्ट काइंड ऑफ और चैलेंज काइंड ऑफ, जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोल सकते हो कि आपके आसपास के स्मॉल बिजनेसेस या लोकल बिजनेसेस को आप टैग कीजिए, एंड द लकी वन विल गेट सम गिव अवेज और मे बी फ्रीबीज और मे बी यू नो सम मोटिव बिहाइंड दैट. अगर आपका एक अच्छा सोशल मैसेज का मोटिव है तो आप उसको प्रमोट कर सकते हो कि आप क्यों ये करवाना चाहते हो. एंड आई थिंक देर विल बी अ ग्रेट मूवमेंट, ये एक बहुत अच्छे सोशल कॉज एंड मूवमेंट में कम्प्लीटली चेंज हो सकता है. आई रियली एडमायर द कैडबरी सेलिब्रेशन का जो अभी एक एड हुआ था, लाइक कैडबरी डिड दिस ऑन दिवाली, दे सपोर्टेड दिस लोकल बिजनेसेस. उनकी एडवर्टीजमेंट में उन्होंने लोकल बिजनेसेस के जितने भी ज्वेलर्स के या फिर ऑप्टिकल्स की शॉप के जो जो शॉप के नाम थे और एरिया के साथ, उनको उन्होंने प्रमोट किया था. एंड दैट वॉज द ग्रेट कैंपेन आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग में, यू नो आफ्टर द वोकल फॉर लोकल, दैट दैट ट्रू मीनिंग ऑफ दैट कैंपेन वॉज डन बाय द कैडबरी. सो यू कैन चेक आउट दैट कैंपेन वॉज रियली वेल यू नो एग्जीक्यूटेड. ऑलराइट, मूविंग टू द लास्ट टू क्वेश्चंस आई थिंक, एंड देन ओके एडमिन इज आस्किंग it is the one to one conversation or public because I want to ask questions, sorry for disturbance. Okay admins, let me brief you. This is Friday with Forum, it is Instagram live session every Friday 6 o'clock. You can come online with me and you can ask me question on Instagram live. Niche ek request ka button hota hai, if you do that aap mere sath video mein conferencing mein baat kar paoge, that will be visible to everybody on Instagram live. Aapke aur mere account mein jitne bhi log hain un sabko live ye dikhega hamara conversation, and after the live conversation ye वीडियो के फॉर्मेट में भी रहेगा इंस्टाग्राम पे आईजीटीवी में. सो दिस पर्पस ऑफ दिस सेशन इज शायद आपका जो क्वेश्चन है वो एक इतना हेल्पफुल क्वेश्चन हो सकता है जिसका मैं अगर आंसर आपको दे पा रही हूँ, अगर मैं आपको कुछ हेल्प कर पा रही हूँ, एंड दैट कैन हेल्प अदर पीपल एज वेल. सो शायद आपके क्वेश्चन और हम क्वेश्चन से दूसरों को भी हेल्प हो सकती है. सो दैट विल बी पब्लिक कॉन्वर्जेशन, दैट इज फॉर श्योर. या All right, so thank you so much, Rocky, for giving the compliment. And a lot of people are giving the compliments in between. So, Keyur, aapne mujhe kuch question pucha tha. I'm so sorry if I have missed it. Aap please mujhe DM kar sakte ho. So, other people, Anand, I think, a lot of people have asked the question. Agar koi bhi question ka answer reh gaya hai, DM me anytime. I will definitely try to reach out and reply back to you within 24 hours with all your outgoing questions solved out. But this is Friday with Forum. Every Friday, hum yahan pe 30 minutes live session ye lete hai. Today's topic was... who should learn digital marketing and why everybody should learn digital marketing. So yes, everybody has to learn digital marketing. Agar aap career banana chahte ho, aap work from home, part-time work opportunity karna chahte ho. If you are a owner, if you are an entrepreneur, if you are a business leader, aap agar agency hire karna chahte ho, aap kisi ko job pe rakhna chahte ho digital marketing ke liye, you should have that basic knowledge ki unke paas kya kaam karwana hai, what are their KPIs, what are their measurable results, what are the expectations you can put it from this platform. So yes, everybody will have to learn digital marketing. And lastly, by ending the session, I would like to announce it one more time that we have our 100% work opportunity ke saath. This is first time ever in South Gujarat, I think this is an opportunity ki jitne bhi log hamare sath digital marketing workshop mein judenge, hamare 1st January se hamare 1 month ka digital marketing intensive program is coming, jahan pe aapko प्रैक्टिकली सेशंस लिए जाएंगे, ऑनलाइन सेशंस रहेंगे, आपको प्रैक्टिकली फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, पेड एडवर्टीजमेंट, स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट, लीड जनरेशन, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी. सो इफ यू आर टेकिंग अ पार्ट इन दैट वर्कशॉप, आई गारंटी, वी गारंटी यू द 100% वर्क अपॉर्चुनिटी. So guys, if you have the, if you are looking for building your career into digital marketing, if you want to switch your job, if you want to add something into your job portfolio, agar aap existing koi job kar rahe ho usme aap apne resume mein ek portfolio mein ek cheez badhana chahte ho, aapke skill set mein badhana chahte ho,
इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर करियर इन टू डिजिटल मार्केटिंग, यूर लुकिंग फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आप इफ यू आर लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, वी आर देयर टू गिव यू दैट प्लेटफॉर्म. सूरत की टॉप 10 बेस्ट ब्रांडिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज आर वेटिंग फॉर यू. दे आर वेटिंग कि कब आप एक स्किल्ड, सही स्किल्ड और सही टैलेंट उनको उनके यहाँ पे, यू नो, दे विल एड अ वैल्यू टू देयर टीम. So if you have that hunger, if you want to build your career, if you want that, you have that desire to build your career into that digital marketing, you should definitely don't miss out this opportunity. You should definitely get enrolled. And mere bio mein link available hai. Do check out that link and let me know your feedback. All right. So that was a great conversation. I'm so happy today to have a great conversation with Abhilash as well. Thank you so much, Abhilash. I mean, that was a great conversation. I think wo bahut fruitful hoga sabke saath, sabko bahut kaam lagega. After that, even this live will end, aapka jo question hai aur uske jo answers hai, I think people will admire a lot. And I really admire your spirit of learning in the, and starting your career into digital marketing. So all the best, and thank you so much guys for joining today. This was Live Friday with Forum, and see you, bye bye. Next week hum wapas milenge. Every Friday this is a live session. So bye bye, see you, take care. And do let me know if there is any question, so I am here for that. Till then, guys, till then, remember one thing: to grow business, go digital. All right?